गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोग को डिविजिबिलिटी के बारे में बताया था। इसमें से कुछ डिविजिबिलिटी जो है आपका रह गया था, जिसके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। पहला टेस्ट, सबसे पहले टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय, पहला नंबर आज का है सिक्स। सिक्स से आपको नहीं बताया, तो अगर आपको चेक करना हो कि दिया हुआ नंबर सिक्स से डिविजिबल है कि नहीं, तो यह चेक करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो दिया हुआ नंबर है वह टू से एंड थ्री से कटता है कि नहीं। अगर दोनों से कट जाता है तो वह नंबर जो है सिक्स से भी कट जाएगा। ये नंबर विच इज विल बी डिविजिबल बाय सिक्स If it is also divisible by both 2 and 3, कोई भी नंबर जो है सिक्स से डिविजिबल होता है यदि वह दोनों नंबर टू से और थ्री से दोनों से भी डिविजिबल हो जाए, तो वह सिक्स से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब पिछले वीडियो में आप लोग को टू से डिविजिबिलिटी टेस्ट एंड थ्री से डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लोग को बता दिए थे, अतः एग्जांपल समझ लें। मान लिया जाए कि आपको चेक करना है कि ये जो दिया हुआ नंबर है यह सिक्स से डिविजिबल है कि नहीं। इसको चुके वन डिजिट ऑफ 5 6 2 9 2 इज 2। अब इकाई अंक का जो इकाई स्थान पर जो अंक है वह 2 है, इसलिए 5 6 2 9 2 विल बी डिविजिबल बाय 2, यह 2 से कट जाएगा। उसके बाद सम ऑफ डिजिट देखा जाता है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 5 6 2 9 2 इज 5 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 2 8 9 8 17 17 5 22 22 24, और 24 जो 24 जो है 24 जो है वह 3 के मल्टीपल में आता है, विच इज ए मल्टीपल ऑफ 3, इसलिए 5 6 2 9 2 विल बी डिविजिबल बाय 3। अब यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि जो दिया हुआ नंबर है वह 2 से डिविजिबल है, फिर दिया हुआ नंबर 3 से भी डिविजिबल है, तो जो नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल हो वह नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। दस सिक्स इज एल्सो सॉरी दस 5 6 2 9 2 इज एल्सो डिविजिबल बाय
या 6 से भी कट जाएगा, यानी कि अगर 6 से आपको डिविजिबिलिटी चेक करना है तो सबसे पहले 2 से देखें, अगर 2 से कट जाए तो 3 से देखें, अगर 3 से भी कट जाए तो वह 6 से कंप्लीटली कट जाएगा। उसके बाद 10 से डिविजिबिलिटी टेस्ट है, तो नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0। कोई भी नंबर जिसके इकाई स्थान पर 0 हो वह नंबर जो है 10 से डिविजिबल जरूर होता है। जैसे एग्जांपल में 50, 710, 930 etc, जिसके इकाई स्थान पर 0 हो वह नंबर जो है 10 से डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद ये दूसरा नंबर था, तीसरा नंबर में आते हैं बाय 11। बाई 8 सबसे पहले देखते हैं, ये नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय 110 and 1 digit is 000 or multiple of 8। कोई भी नंबर जो है 8 से तभी डिविजिबल होता है यदि 100, 10 and 1 इन तीनों प्लेस से बना हुआ नंबर 8 का मल्टीपल हो, या नहीं तो तीनों 0 है। एग्जांपल के रूप में ये नंबर दिया हुआ है, या 3 से कट जाए 8 से कट जाएगा, ये है 8 से कट जाएगा, ये 3 अंक नंबर है, ये 3 अंक, ये तीन नंबर 3 डिजिट से बना हुआ है, या 8 से कट जाएगा। तो इस तरह के जितने भी नंबर आएंगे, क्योंकि 1, 10, 100 से बना हुआ नंबर 8 का मल्टीपल हो और नहीं तो 8 का नहीं तो 000, तो वह नंबर जो है 8 से डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11, ए नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11 इफ इफ द डिफरेंस between the sum of odd place digit and the sum of even place digit is 0 or multiple of 11। इसको समझें, जैसे मान लिया जाए तो इसमें कहता है कि कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल होगा यदि इवन प्लेस के जितने डिजिट है उसका सम
और ओड प्लेस पर जितने डिजिट है उसका सम का डिफरेंस 0 नहीं तो 11 का मल्टीपल। अब इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस क्या है वो समझे। जैसे मान लेते हैं कि आपको चेक करना है 8 4 6 5 8 4, इसको आपको चेक करना है कि यह 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इवन प्लेस जैसे लेंगे आपको पहला तीसरा एंड पांचवा, ऑड प्लेस में हो जाएगा पहला तीसरा पांचवा, यानी 8 प्लस 6 प्लस 8, 8 दुनी 16 6 22। अच्छा ये हो गया इवन ऑड प्लेस। ऑड प्लेस इवन प्लेस में जो बच गया 4 5 4, ये हो गया 4 प्लस 5 प्लस 4 बराबर 5 9 4 13, ये हो गया इवन प्लेस, इवन प्लेस का हुआ ये सारे। अब डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो डिफरेंस आएगा 22 माइनस 13, तो बच जाएगा 9। तो 9 जो है 3 11 का मल्टीपल में नहीं आता, यानी विच इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 11, इसलिए 8 4 6 5 8 4 विल नॉट बी डिविजिबल बाय 11। अगर 11 के मल्टीपल में आ जाता तो 11 से डिविजिबल होता, यहाँ पर नहीं आया इसलिए डिविजिबल नहीं होता। आज के लिए इतना ही सभी बता दिए, इसको नोट करके आप लोग याद कर लेंगे। और एच डब्ल्यू में पेज नंबर एच डब्ल्यू में आपका है पेज नंबर 43 का एमसीक्यू एंड मेंटल मैथ, इसको कंप्लीट कर लेंगे। बस धन्यवाद।